ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से परेशान हैं, तो मैं आपको आज कुछ तरीके बताऊंगा इस परेशानियों से बाहर आने के। ये प्रैक्टिकल तौर पर कई सारे जातकों ने किया है, उन्हें इससे फ़ायदा मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन्हें चीज़ों को करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जब हम हताश और निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमारी आशाएँ, होप, उम्मीदें, सब जो चीज़ें हैं वो टूट जाती है, ख़त्म जैसी हो जाती है। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि अगर हम इन परिस्थितियों से लड़कर बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी ये बातें हैं, मेरे ये उपाय हैं जो आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तब सभी चीज़ें नेगेटिव होती रहती हैं, हमारे मन में नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं, जो लोग हमारे सपोर्ट पे थे वो भी दूर होते रहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। सबसे पहली बात कि जब भी बुरे हालात हो तो जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, इसको बाहर करना होगा। अब आपके लिए कहना तो बहुत आसान होगा, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन जब तक आप खुद इस नेगेटिविटी को बाहर निकालने के प्रयास नहीं करेंगे, आप सकारात्मक रहे, वो नेगेटिव लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बना कर रहे हैं, और कुछ लोग आके लालच देकर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहेंगे, इनसे भी सावधान हमें रहना है। और केवल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने गुरु मंत्र का जप। मैं हमेशा कहता हूँ गुरु मंत्र का जप करें, शनिवार के दिन रोज़ पीपल को सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने जीवन में बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम। हर एक व्यक्ति कर सकता है। अगर ये सभी चीज़ें आप नहीं भी कर सकते हैं तो राम नाम जप करना आज से शुरू कर दें। श्री राम, सीता राम, सीता राम। सीता माँ के नाम के बिना राम का नाम अधूरा है, इसलिए पहले सीता माँ का नाम जरूर लें, सीता राम का जाप करें। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इसे कंटिन्यू जप करें, आप सोच भी नहीं सकते इसके कितने सकारात्मक और कितने बड़े परिणाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरु मंत्र यदि नहीं है आपके पास तो आप ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र माने और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जाप करें। ये सबसे सरल तरीका है हालातों से बाहर निकलने के लिए और इन चीज़ों को सही करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग आपको बहुत से तरह तरह के तरीके बताएंगे, बहुत सी चीज़ें बताएंगे, हमारे पास धन नहीं होता है, हम चीज़ों अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने मंत्र जप की शक्ति को इतना बड़ा बना लेते हैं जिससे कि आपकी परेशानी स्वतः ही हल होगी, साथ में अपने कर्म करते रहें, जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ में अच्छा कर रहे हैं उसमें करते रहें, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने गुरु मंत्र का जप करते रहें और किसी भी काम में आलस्य नहीं करना है, इन सभी को करके ही आप अपने इन बुरे हालातों को बदल सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। ओम नमः शिवाय।